वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को नियॉन की जानकारी दे रहा हूँ और यह दूसरा अक्रिय तत्व है हीलियम के बाद, समझे ना। हीलियम के मैं पहले बता दिया हूँ, हीलियम की जानकारी मैं इस पिछले क्लास में दिया हूँ, आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। और आज मैं नियॉन की जानकारी दे रहा हूँ। नियॉन जो है वह आपका दूसरा उत्कृष्ट गैस है या उत्कृष्ट तत्व है, समझे कि ना। इसका संकेत जो होता है Ne होता है। संकेत क्या होता है? Ne। इसकी परमाणु संख्या 10 तथा परमाणु द्रव्यमान 20.18 होता है। नियॉन की खोज करता है, नियॉन का जो खोज किए थे विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने, इसकी खोज जो हुई थी 1898 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1898 ईस्वी में। इसका क्वथनांक जो होता है -246.048 डिग्री सेंटीग्रेड और घनत्व जो होता है -0.89990 ग्राम प्रति लीटर, समझे कि नहीं। घनत्व इसका जो होता है 0.89990 ग्राम प्रति लीटर, ये होता है, माइनस नहीं होता, ठीक ना, घनत्व। अब देखिए इसका गलनांक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका गलनांक होता है -248.59 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक क्या होता है? -248.59 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें माइनस नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नियॉन की खोज क्रिप्टॉन एवं जीनॉन के साथ हुई थी। नियॉन की जो खोज हुई थी वह क्रिप्टॉन एवं जीनॉन के साथ हुई थी। नियॉन जो होता है यह वायु से भी हल्का होता है, इसी के कारण यदि वायु में छोड़ दिया जाए तो यह पृथ्वी तल से ऊपर चला जाता है, वायु से ऊपर चला जाता है नियॉन, क्योंकि वह वायु से हल्का होता है। नियॉन लैंप में प्रयोग करने पर यह लाल नारंगी प्रकाश प्रदान करती है। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लैंप लगे हुए रहते हैं, लाइट लगे हुए रहते हैं, समझे ना, और वह नारंगी कलर का रंग देता है, समझे ना, एकदम बहुत ज़्यादा नारंगी और लाल नारंगी प्रदान करता है। तो उसमें जो नियॉन रंग, नियॉन डाला, नियॉन गैस रहता है, कौन सा गैस? नियॉन गैस के कारण से उसका रंग लाल नारंगी होता है। और नियॉन का जो प्रयोग किया जाता है विज्ञापन प्रदर्शित करने वाला जो बोर्ड होता है, जो देखते होंगे बोर्ड लगा हुआ रहता है, जो विज्ञापन किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट रहता है, उस बोर्ड में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन का, ठीक ना। और उसके बाद निर्वात नली में, निर्वात नली जो होती है उसमें भी नियॉन का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन का जो ट्यूब बना दिया जाता है, ट्यूब्स, टेलीविजन के ट्यूब्स में भी नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे और इसे देखें और आप लोग इसका अध्ययन करें। रेगुलर मैं आप लोगों के बीच आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियाँ लेकर के आ रहा हूँ। आप मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच आप लोग इस चैनल के बारे में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।